आज इस गांव के अंदर भी चिट्टे का प्रकोप है, स्मैक का प्रकोप है। आप गांव के लोगों से खुल करके पूछो कि चिट्टा और स्मैक आया कहां से। मैंने इस इशू को विधानसभा में उठाया था। आज सब लोगों के मुंह से मैंने फिर सुना है कि यहां पे एक गांधी नाम का लड़का है जो रहने वाला है उसका कैरावाड़ी गांव का। उसने अपने ठिकाने बना रखे हैं। वो दारू का पहले ठेकेदार जो पवन बैणीवाल उसका कारिंदे के रूप में काम करता था और उसकी दारू जो है गांव में ले जा करके अलग अलग ठिकानों पर रख के बेचता था। अब दारू की बजाय वहां पे स्मैक के ठिकाने बन गए, स्मैक के साथ चिट्टे के ठिकाने बन गए। ये मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मतलब किस तरह से मौजूदा सरकार जो है भविष्य में जिस नई पीढ़ी से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा कल है, जिससे ये उम्मीद करते हैं कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, आज अगर वो नशे की चपेट में आ गए तो फिर समझो कुछ बनने की बजाय वो तो परमात्मा को प्यारे हो जाएंगे। मैंने उस वक्त भी मुख्यमंत्री से कहा था कि इसकी रोकथाम करो और जो बेचने वाले लोग हैं उनकी जड़ तक पहुंचो, उन्हें गिरफ्तार करो। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ियों में बैठा बैठा करके शाबाशी दी है ताकि पुलिस के लोग भी उनको रोक ना सकें। हैरानी की बात है, हर 10 किलोमीटर पे थाने बना दिए, लेकिन नशे का कारोबार जो है रोजाना बढ़ता गया। इसका मतलब तो पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, पुलिस भी इस काम में लगी। आज पुलिस प्रशासन सरकार सब कैसे ये प्रदेश बर्बाद हो इसके लिए नशे को बढ़ावा दे रही है। इसलिए कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया और मैं मुख्यमंत्री के सामने इस बात को लेकर के उनसे जवाब तलब करूंगा, पूछूंगा कि क्या तेरी सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जिन लोगों ने इस कारोबार अपने हाथ में ले रखा है, जिन लोगों के खुलेआम लोगों ने नाम लिए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने भी इस बात को लेकर के सीधे आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सैकड़ों महिलाओं ने सरलंखा बनाई अपनी नशे के खिलाफ। मुख्यमंत्री को तो उसी वक्त आदेश कर देना चाहिए था कि जो लोग इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाए, बजाय मुकदमे बनाने के उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया। तो एसपी क्या करेगा, कैसे कार्रवाई होगी, ये सारी चीजें लेके जाऊंगा और मुख्यमंत्री से पूछूंगा और फिर प्रेस के माध्यम से प्रदेश के लोगों को और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सारी बात बताऊंगा कि क्या हुआ। मैं नहीं अकेला आरोप लगा रहा, मैंने तो जब मेरे को विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बताया, जब मेरे सामने आपके द्वारा बनाई गई वीडियो क्लिपिंग आई जिनके नाम लिए गए, तो फिर मेरी एक विधायक के नाते, एक इलाके के नुमाइंदे के नाते ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने इलाके की बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखूं। बीजेपी के लोगों ने ये आरोप लगाए, जो बीजेपी की जिला की अध्यक्ष है उसने खुलकर के आरोप लगाया, मैंने उसका भी एक वीडियो क्लिप देखा। ये आरोप मैंने विधानसभा में भी लगाए इस नशे की रोकथाम के लिए सरकार कदम उठाए, लेकिन सरकार तो जन आशीर्वाद यात्रा में लगी हुई थी। आज इस गांव के अंदर भी चिट्टे का प्रकोप है, स्मैक का प्रकोप है। आप गांव के लोगों से खुल करके पूछो कि चिट्टा और स्मैक आया कहां से। मैंने इस इशू को विधानसभा में उठाया था। आज सब लोगों के मुंह से मैंने फिर सुना है कि यहां पे एक गांधी नाम का लड़का है जो रहने वाला है उसका कैरावाड़ी गांव का।
उसने अपने ठिकाने बना रखे हैं। वो दारू का पहले ठेकेदार जो पवन बैणीबाग उसका कारिंदे के रूप में काम करता था और उसकी दारू जो है गांव में ले जा करके अलग अलग ठिकानों पर रख के बेचता था। अब दारू की बजाय वहाँ पे स्मैक के ठिकाने बन गए, स्मैक के साथ चिट्टे के ठिकाने बन गए। ये मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मतलब किस तरह से मौजूदा सरकार जो है भविष्य में जिस नई पीढ़ी से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा कल है, जिससे ये उम्मीद करते हैं कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, आज अगर वो नशे की चपेट में आ गए तो फिर समझो कुछ बनने की बजाय वो तो परमात्मा को प्यारे हो जाएंगे। मैंने उस वक्त भी मुख्यमंत्री से कहा था कि इसकी रोकथाम करो और जो बेचने वाले लोग हैं उनकी जड़ तक पहुंचो, उन्हें गिरफ्तार करो। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ियों में बैठा बैठा करके शाबाशी दी है ताकि पुलिस के लोग भी उनको रोक ना सकें। हैरानी की बात है, हर 10 किलोमीटर पे थाने बना दिए, लेकिन नशे का कारोबार जो है रोजाना बढ़ता गया। इसका मतलब तो पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, पुलिस भी इस काम में लगी। आज पुलिस प्रशासन सरकार सब कैसे ये प्रदेश बर्बाद हो, इसके लिए नशे को बढ़ावा दे रही है। इसलिए कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। और मैं मुख्यमंत्री के सामने इस बात को लेकर के उनसे जवाब तलब करूंगा, पूछूंगा कि क्या तेरी सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जिन लोगों ने इस कारोबार को अपने हाथ में ले रखा है, जिन लोगों के खुलेआम लोगों ने नाम लिए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने भी इस बात को लेकर के सीधे आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सैकड़ों महिलाओं ने सरलंखा बनाई अपनी नशे के खिलाफ। मुख्यमंत्री को तो उसी वक्त आदेश कर देना चाहिए था कि जो लोग इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाए, बजाय मुकदमे बनाने के उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए। तो एसपी क्या करेगा, कैसे कार्रवाई होगी? ये सारी चीजें लेके जाऊंगा और मुख्यमंत्री से पूछूंगा और फिर प्रेस के माध्यम से प्रदेश के लोगों को और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सारी बात बताऊंगा कि क्या हुआ। मैं नहीं अकेला आरोप लगा रहा, मैंने तो जब मेरे को विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बताया, जब मेरे सामने आपके द्वारा बनाई गई वीडियो क्लिपिंग आई जिनके नाम लिए गए, तो फिर मेरी एक विधायक के नाते, एक इलाके के नुमाइंदे के नाते ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने इलाके की बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखूं। बीजेपी के लोगों ने ये आरोप लगाए, जो बीजेपी की जिला की अध्यक्ष है उसने खुलकर के आरोप लगाया, मैंने उसका भी एक वीडियो क्लिप देखा। ये आरोप मैंने विधानसभा में भी लगाए इस नशे की रोकथाम के लिए सरकार कदम उठाए, लेकिन सरकार तो जन आशीर्वाद यात्रा में लगी हुई थी,